हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी और आप देख रहे हैं स्टेप अप मैथ्स। सो आज सेकंड लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। सो आपको रेगुलरली स्टडी करनी है स्टैंडर्ड 9th, ठीक है। सो कुछ टॉपिक्स आज कवर करने हैं। पहला टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। सो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करें और यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये सब क्या है, ये सब अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये तीनों एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करें। सबसे पहले तो एकदम इजी है, आपने पहले कर चुके हैं इस टाइप के आप एग्जाम्पल, तो चलो सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 बाय 3, यू ऑल नो दैट कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइड बाय 3। सो अगेन यार जानते हो 3 3 9 होगा एंड द रिमाइंडर इज 1। और इसको अगर आगे हमें सोल्व करना है तो यहां पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो हियर इज अ 0। अगेन 3 3 9, आंसर इज 1। अगेन 0, 3 3 9, आंसर इज 1। तो आप जान सकते हो, आप देख सकते हो कि रिमाइंडर हमेशा एक आएगा और यहां पे 3 रिकर होता रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर, इसका क्वेश्चन है वो रहेगा 3.333... यहां पे रिपीट 3 हो रहा है, रिकर 3 हो रहा है, जिसको मैं यहां लिख सकता हूं 3.3 रिकरिंग। दिस इज अ सिंबल ऑफ रिकरिंग, ये रिकर हो रहा है। और जब भी कोई रिकरिंग चीज होती है, याद रखना, कोई रिकरिंग वाली चीज होती है वो हमेशा इरेशनल होता है। इरेशनल क्यों होता है, क्योंकि हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये रिकरिंग हुआ। सबसे पहले तो यहां मैं देख सकता हूं कि ये रिकरिंग है। दूसरा, यहां पे ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब एक जगह डेसिमल फिक्स हो जाना, यहां कहीं पे भी फिक्स नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है और इरेशनल है। इरेशनल है, इरेशनल क्यों है, क्योंकि ये कहीं पे भी फिक्स नहीं हो रहा है। इसका पॉइंट आगे रिकर होता जा रहा है। फिक्स होता तो हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते, ये आपने कल फर्स्ट लेक्चर में देखा था। नाउ सेकंड एग्जांपल 7 बाय 8। अब डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं होता है, तो यहां पे मुझे 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। 8 8 जा 64, डिनोमिनेटर 6, अगेन यहां पे 0। 8 7 जा 56, यहां पे क्या रहेगा, 4, अगेन 0। 8 5 जा 40, नाउ द रिमाइंडर इज 0। दैट मीन रिमाइंडर 0, इसका मतलब कि बात खत्म, आपका क्वेश्चन आपको मिल गया। क्वेश्चन यहां पे क्या मिला, 0.875। ये देखो, यहां इसका डेसिमल यानी कि इसके डेसिमल प्लेसेस वो रिकर नहीं हो रहे हैं, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यहां पे एक टर्मिनेट हो चुके, एक जगह फिक्स हो चुके, तो इसका मतलब ये रिकरिंग तो नहीं है। रिकरिंग मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और जो चीज टर्मिनेटिंग होती है वो हमेशा रैशनल होती है। रैशनल क्यों, क्योंकि इसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। किस तरह से, 875, ये पॉइंट 3 स्टेप पीछे जाएगा, तो नीचे डिवाइड में इतने जीरो लगा सकेंगे, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख पाए, इसलिए ये क्या है, रैशनल भी है, टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, रिकरिंग नहीं है। अब 1 बाय 7, देखते हैं इसके कितने डेसिमल प्लेसेस हमें आते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 होगा, 7 1 जा 7, नाउ द आंसर इज 3, अगेन 0, 7 4 जा 28, ठीक है, आंसर इज 2, अगेन 0, 7 2 जा 14, आंसर इज 6, अगेन 0, 7 8 जा 56, आंसर 4, अगेन 0, 7 5 जा 35, आंसर 5, अगेन 0, 7 7 जा 49, नाउ 1। देखो ये इतना लंबा प्रोसीजर किया, उसके बाद हमें 1 आया। अब 1 का मैं 0 लगाऊंगा यानी 10 होगा, और यहां 10 तो ऑलरेडी है, मतलब अब यहां से वापिस ये प्रोसीजर यहां रिपीट होती जाएगी, यही लंबी लंबी प्रोसीजर रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब यही डेसिमल प्लेसेस बार बार रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब आंसर 0.142857,
अब डॉट 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 लगाना पड़ेगा क्योंकि यही डेसिमल प्लेसेस वापिस रिपीट होने जाने वाले हैं। मतलब ये है रिकरिंग, इतने चीजें रिकर हो रही है, इतनी चीजें रिकर हो रही है, मतलब बार बार रिपीट होगी आगे की तरफ। ठीक है, तो ये रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये इरेशनल है। तो इस तरह से हम कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हमें लगा सकते हैं कि वो रेशनल है, इरेशनल है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये सब चीज है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट मेथड आज इधर कंप्लीट हुआ, ये आपका होमवर्क है। 3/13, 2/11 एंड 4, एंड ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको थोड़ा आपको सोल्व कर देना है। 8 4 32 प्लस 133/8 कर दोगे आप तो अब ये इजी होगा आपके लिए। ठीक है, सो नाउ सेकेंड मेथड, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो ये मेथड में ऑलमोस्ट सब लोगों को प्रॉब्लम होती है, 9th वालों को भी, इवन अभी अभी जो करंट सेमेस्टर में है वो। देखो क्या है इसमें, लॉजिकली इसको कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले ये 0.3 सोल्व करें, इजी एग्जाम्पल, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है और ये सिंबल है रिकरिंग का, मतलब के यहां पे थ्री रिकर हो रहा है, मतलब चलता ही जाएगा। मैं इसको एक्स सपोज कर रहा हूं। ठीक है, अब ये पॉइंट को अगर मैं एक स्टेप पीछे लेके जाऊं तो यहां पे एक जीरो लग जाता है। देखो क्या किया मैंने, ये पॉइंट एक स्टेप पीछे गया तो ऑब्वियसली डिवाइड में क्या करना पड़ता है, 10 करना पड़ता है, और 10 सीधा इस तरफ चला गया। सिंपल है, एक लॉजिक फंडा समझो, यहां जितने भी पॉइंट पीछे लेते हो उतने जीरो यहां पे लगते हैं, दैट्स इट। नाउ 10x इज इक्वल टू, अब देखो कौन से नंबर में मैं x को ऐड करूंगा, एक लॉजिक समझे। अब ये तो सिंपल एग्जांपल है, देखो 3 में मैं 0.3333 ऐड कर सकता हूं तो मुझे मिलता है 3.3333। मैंने इस तरह से उसको स्प्लिट क्यों किया, उसका एक रीजन है। देखो यहां पे इसको मैं स्प्लिट करूंगा नहीं तो एक नंबर को मैं एक्स सपोज नहीं कर पाऊंगा, तो उसको हम पी अपॉन क्यू में बना नहीं पाएंगे। ये नंबर को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया, 3.33 यानी 3 + 0.333 हो सकता है, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या, कि जो ये सेकंड वाला जो ये नंबर है ये आपका एक्स के बराबर होना चाहिए, याद रखना ये हमेशा आपके एक्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि मैंने इसकी जगह पे मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स है, इसको ही हमने एक्स सपोज किया है। अब ये एक्स इस तरफ जाएगा तो 10x - x = 3, तो 9x = 3, तो x = 3/9। 3/9 यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3। तो आप ये आपको 1/3 से मिलेगा। आप पी अपॉन क्यू, मतलब इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या हुआ, 1/3। 1/3 आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.333 रिकर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज याद रखनी है, यहां पे जो नंबर है वो एक्स के बराबर होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, नाउ 1.27, यहां पे देखो रिकरिंग का सिंबल 27 पे है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको एक्स सपोज करेंगे, 1.272727। कुछ लोग यहां 777 रिकर कर देते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिकरिंग का सिंबल 27 पे है, दोनों पे है। अब या जितने भी पॉइंट पीछे लूंगा उतने यहां पे जीरो लगेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, यहां पे मैं दो पॉइंट पीछे लेता हूं क्योंकि रिकरिंग 2727 है, 7272 नहीं है। अगर मैं यहाँ एक एक स्टेप पीछे लेता तो रिकरिंग 7272 हो जाता, मुझे वो नहीं करना है, मुझे 2727 रिकरिंग दिखाना है, इसलिए मैं दो स्टेप पॉइंट पीछे लेके जाता हूं। तो देखो अब रिकरिंग 2727 दिख रहा है। ठीक है, अगर एक स्टेप पीछे लेता तो 7272 आ जाता, दो स्टेप पीछे लिया है तो यहां दो जीरो लगेंगे, आपको पता है। ठीक है, नाउ अगेन अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, 100x = कौन से नंबर में मैं एक्स को ऐड करूं, एक्स कौन सा है, 1.2727, कौन से नंबर में मैं एक्स को ऐड करूंगा तो मुझे यही नंबर वापस मिलेगा। देखो ये नंबर को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, तो कौन से नंबर में मैं 1.2727 को ऐड करूं तो मुझे ये वाला नंबर मिले। मतलब यहां मैंने 1.2727 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे एक्स लिखना कंपलसरी है,
ये पहले एग्जांपल में हमने देख लिया है, ठीक है। तो कौन से नंबर में मैं ये ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा, तो इन दोनों का सिंपल सब्ट्रैक्शन करो तो मुझे यहाँ नंबर मिल जाएगा रखने वाला। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैं दिखाता नहीं हूं, मैं कैलकुलेटर में कर देता हूं। क्या है 127.2727। ओके, उसमें से मैं 1.2727 को निकाल दूं तो मेरा आंसर आया 126। तो इसका मतलब मुझे यहां रखना पड़ेगा 126। ये नंबर आइडेंटिफाई करना आपको पड़ेगा। नाउ 100x इज इक्वल टू 126 प्लस, ये नंबर तो पूरा x ही है, यहां x लेना कंपलसरी है। x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 100x में से एक एक 1x जाएगा तो हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 99, यानी होता है 14/11, दोनों को 9 से डिवाइड करें तो। तो इस तरह से इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं, तो इस पे फोकस करो। बाकी नंबर लाइन पे प्लॉट करना या डेसिमल एक्सपांशन, ये सब इजी एग्जांपल्स हैं, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। नाउ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0.4, रिकरिंग का सिंबल सिर्फ 7 पे, तो हम यहां 7 को ही रिकर होता हुआ दिखाएंगे। अब यहां पे एक पॉइंट पीछे लूंगा क्योंकि रिकरिंग 7 ही दिखाना है। तो x इज इक्वल टू 4.777, 7 को रिकर होता हुआ दिखाया, तो यहां पे एक एक स्टेप पीछे लिया तो यहां पे एक जीरो लगा। अब बात करनी है स्प्लिट करने की, यहां x को रखना कंपलसरी है, x यानी कि कौन सा, ये वाला 0.477। तो किस में से मैं ये, किस में ये ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा। तो सिंपल इन दोनों का आपको क्या करना है, इधर सब्ट्रैक्शन, 4.777 माइनस 0.4777, यानी कि 4.2993, यानी कि सिंपल 4.3 ही हुआ। अगर इसको डेसिमल को हम एक्सपेंड करें तो 4.3 ही होता है, ठीक है। सो नाउ 4.3 में मैं ये ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 10x 4.3 प्लस, ये तो पूरा x ही है क्योंकि इसकी जगह x सपोज किया है ना। अब x इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3। यहां पॉइंट रहना अलावेबल नहीं है, ये पॉइंट मुझे निकालना है, तो ये पॉइंट वापस एक स्टेप पीछे लेके जाऊं तो अभी हो जाएगा 43। और जब भी पॉइंट पीछे लेते हो, पॉइंट को पीछे की तरफ डिस्प्लेस करते हो, तो यहां पे एक जीरो लग जाता है, तो अब ये हो गया 90x। तो x इज इक्वल टू 43/90। इस तरह से आपके एग्जाम्पल से ये सोल्व होते हैं। अब ये दोनों है एग्जाम्पल 0.235 और उसमें 235 रिपीट हो रहे हैं, रिकर हो रहे हैं, और ये है 0.001 001, तीनों पे रिकरिंग का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। नाउ द लास्ट मेथड, प्लॉट 3.765 ऑन अ नंबर लाइन, इज क्वाइट इजी फॉर एवरीवन। क्या है 3.765 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो किस तरह से करें। सबसे पहले तो डेसिमल प्लेस देखो, डेसिमल प्लेस कितने हैं पॉइंट के पीछे, 1, 2, 3। तो इस ये तीन है तो ऑब्वियसली इससे एक ज्यादा, यानी कि आपकी टोटल लाइंस बनेगी वो 4 बनेगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 3 है वो 0 और 10 के बीच में आता है, तो मैंने 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब 3.7 कहाँ आता है, 3.7 तो देखो सबसे पहले तो 3.7 वो आता है 3 और 4 के बीच में आता है ना। तो अब ये लाइन को हम जूम करेंगे, ये लाइन को अगर मैं जूम करूं तो इसका एक एंड 3 रहेगा, एक एंड 4 रहेगा, सॉरी यहां पे लाइन में 3 रहेगा एक एंड, और एक एंड रहेगा 4। ये लाइन को जूम करूंगा तो बीच में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ऐसे 4 तक रहेंगे। अब क्या है 3.7, 3.7 ये रहा, 3.76 वो 3.7 और 3.8 के बीच में आता है, ये 3.7, ये 3.8, इन दोनों के बीच में 3.76 आता है। तब इसको जूम करेंगे, इसको जूम करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पॉइंट 3.7 रहेगा,
यहाँ पे 3.8 रहेगा, और उसके इंटरमीडिएट टर्म्स यानी कि 3.71, 3.72, 3.76, 3.73, 3.74 वो सब यहाँ आने वाले हैं। फोकस करना है 3.76 पे, 3.76 ये रहा, 3.77 ये रहा, 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में आता है यहाँ पे। यहाँ और इसको जूम करेंगे तो अब ये एक एंड पे रहेगा, ये दूसरी एंड पे रहेगा, तो अब जो लाइन बनेगी वो बनेगी 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, दैट इज योर नंबर, ये आपका नंबर है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह से नंबर लाइन आपको एक्सपेंड जूम कर करके अलग अलग बनानी है, क्रिएट करनी है। यह आपका होमवर्क है। 4.2626 यहां आप देख सकते हो 26 रिकर हो रहा है, तो इसको आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। पर एक शर्त याद रखो, सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस, हाँ सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक आपको नंबर लाइन में इसको प्लॉट करना है। डेसिमल प्लेस 4 है तो ऑब्वियसली आपकी नंबर लाइन बनेगी वो 5 बनेगी, 5 अलग अलग नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है। सो ये लेक्चर सीरीज 2 कंप्लीट होता है यहां पे। अब कल लेक्चर सीरीज 3 आएगा जिसमें ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान बनाए रखिए, हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, आपका फ्री टाइम चल रहा है, और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।